गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग शुरू कर चुकी हूँ अभी। जस्ट मैं ज़ियान को स्कूल से छोड़ कर आई हूँ और देख सकते हैं आप घर मेरा कैसा उलझ पुलझ हो गया है। मीन्स कि गंदा यहाँ पे नकाब है, मेरा मार्क्स है और स्टॉल सबको मैं रख चुकी हूँ कि अभी वॉश करूँगी, घर को क्लीन करूँगी। और वहाँ पर ज़ियान के कपड़े हैं जो कि रखे हुए हैं, वो स्कूल गया है। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने काम को शुरू करती हूँ। यहाँ पर जुनैरा माशाल्लाह से शावर ले चुकी है। सबसे पहले मैंने आई स्कूल छोड़ने के बाद ज़ियान को, तो यहाँ पे जुनैरा को मैंने शावर, वो आप लोगों को सलाम कह रही है। और इनकी भी थोड़ी सी तबीयत तो वो चेंज, ये चेंज एंड अभी से चेंज करूँगी बस। जुनैरा का चैनल हम लगा दे रहे हैं क्योंकि जुनैरा फ्रेश देती हूँ। ये वाले कपड़े भी शावर लेके मैं पहनूंगी, इसे प्रेस मैंने नहीं किया और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं प्रेस करूँ। जी तो थकावट के साथ साथ घर भी नीट एंड क्लीन लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा बेडशीट वगैरह सब क्लीन क्लीन क्लीन। कपड़े तो मैं आयरन नहीं कर पा रही हूँ, वो वैसे भी रेयन मटेरियल है, मैं उसे पहनूंगी तो ऑटोमेटिक वो आयरन जैसा हो जाएगा। यहाँ पे जुनैरा बेबी, मेरी प्यारी बेबी, माशाल्लाह मेरी कंपनी दे रही है, साथ में कार्टून देख रही है। अगर ये तंग करे ना तो फिर मेरा तो हो गया काम। और यहाँ पे मैंने फ्रेश फ्रेश एयर के लिए विंडो ओपन कर रही हूँ, जिससे बहुत अच्छे ग्रीन ग्रीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शावर भी ले चुकी साथ साथ। और हाँ, शावर लेने के बाद मैं कुछ भी अभी नहीं करूँगी सिवाय बायोटिक का। ये सनस्क्रीन है एंड सनस्क्रीन में ये SPF 50 है और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है नायका से। सो बस अभी इसे करते हैं एंड अगरबत्ती जलाएँगे और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दूध पियोगी? एक्चुअली मैं जुनैरा बेबी से पूछ रही थी कि आपको दूध चाहिए बेटा, तो हाँ बोली। खैर इसलिए मैं पूछ रही थी कि ज़ियान जब स्कूल जा रहा था उसी वक्त ये थोड़ा सा खाई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube के फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे एंड वेलकम करते हैं अपने चैनल से यसीबा व्लॉग्स पे। जुनैरा अभी आ जाओ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा भूख मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है एंड मैं अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ, चाय भी बना चुकी हूँ, नहा धो ली हूँ। सोच रही हूँ कि फ्रेश हो गई तो आपको सलाम कर देती हूँ। एंड जुनैरा को भी सबसे पहले मैंने शावर दिलाया, ज़ियान को स्कूल के लाने के बाद मैं दिलाऊंगी क्योंकि उनका हल्का हल्का तबीयत ख़राब है और तबीयत थोड़ा बहुत लिटिल बिट मेरा भी है ख़राब। और आज 12 रबी अव्वल है एंड व्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं था, रेस्ट करने का मन था, बट नहीं, मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शूट भी कर लेते हैं एंड ब्लॉग भी बना लेंगे एंड कुछ कुछ खाने में भी बनाएंगे एंड कुछ मीठा के लिए भी सोची हूँ। बट अभी फ़िलहाल 11 बज गए हैं पक्का और बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है एंड सबसे पहले भूख लगी है, तो चाय पी लेते हैं एंड फिर उसके बाद आपसे फिर भी बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। अभी तक फ़िलहाल आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो एंड बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह लगाते हैं, जश्न मनाते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, लाइटिंग का मेरा बड़ा शौक है कि मैं लाइट वाइट करूँ, बट इनके मतलब ज़ियान के पापा रहते तो मैं ज़रूर लाइटिंग लाती और या तो मैं खुद भी बाहर जा पाती। तो अभी तो लाइटिंग वगैरह नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, ब्लॉग भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, अभी फ़िलहाल खाते हैं। एंड आप तमाम लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक हो एंड अल्लाह पाक आपके घर में बरकत दे, अच्छी सेहत दे एंड तमाम नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, अच्छी अच्छी दुआएं आप लोगों की कबूल करें, मेरी भी करें। एंड अभी मैं सूरह वगैरह पढ़ती हूँ, पहले खा लेते हैं, भूख लग रही है। हाँ जी मेरे प्यारे YouTube के फैमिली, आप देख सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं छोटी छोटी क्लिप आपके ज़रिए मतलब आपके साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही प्यार से। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता हो। खैर यहाँ पे मैंने सूरह कहफ पढ़ा, सूरह मुज़म्मिल और दो तीन। हाँ जी, तो मुझे बहुत ही सुकून और अच्छा लग रहा है, मैंने पढ़ लिया एंड फातिहा भी की, खुशबू खुशबू गहर हो रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक सबके साथ
बरकत वाली ज़िंदगी दे, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह किसी की मोहताज ना बनाए किन्हीं को। सो बस बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो इस वक्त देख सकते हैं आप मेरा सोफ़ा कितना प्यारा लग रहा है। नहीं बिकॉज़ मेरे पास एक और कवर है, मैं उसको मतलब चेंज करती हूँ, जबकि ये सोफ़ा बहुत ही पुराना। और ये जो बेडशीट देख रहे हैं ना, जिसको चौंक के एज अ टी टेबल यूज़ हो रहा है अभी, तो वो पेंटिंग मैंने खुद ही किया है बहुत ही पहले। एंड देखिए मेरी बेटी दुआ मांग रही है। अच्छा, अभी तो बोल रहे थे कि बाबू कॉम कर लाए। बाबू कॉम कर लाए। अरे वाह, ठीक है आप कॉम करो, अब मामा को दे दो। हाँ। हो गया कॉम, हो गया आपका, अब मामा को दे दो। लाओ बाबू कॉम कर लाए बाबू। इस वक्त मेरी जुनैला मम्मी के चाट प्याली प्याली कर ली है, दुलाले दुलाल कर ली है माशाल्लाह। और देखिए हम लोग एक से एक फ़ोटो क्लिप ले रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, अच्छा लग रहा था। और ये देखिए फ्लावर में जो बहुत 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 प्यारा लगता है। हाँ जी, तो इस वक्त ये सारे कपड़े ऑलरेडी डले हुए और ये सूख गए हैं, तो इसे मैं वन बाई वन करके तार से उठा लेती हूँ, और जो भी मैंने वॉश करके रखा है अभी जान के मेरे जुनैरा के सबके तो तार पर डालती हूँ। एंड अब तक तो आप लोगों को एक बात मालूम हो गया होगा कि मैं ना जब भी कोई काम कल पे नहीं डालती हूँ, मैं बहुत उस टाइप की लड़की हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम था, मैं बाद में भी तार पे डाल सकती थी, बट मेरा ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं अभी मतलब कर देती हूँ। क्या होता ना कि फिर अच्छा नहीं लगता, अच्छे से फील नहीं होता, जबकि मेरा समटाइम ना बैक पेन में बहुत ज़्यादा शिकायत होते हैं जब बैक टू बैक मैं एक काम कुछ करती हूँ। खैर कुछ नहीं, ऐसा होता है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपके ना बहुत लोग मेरी व्लॉग से मोटिवेट होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उन्हें, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि कैसे कर लेते हो आप यार, आपके हस्बैंड इतना दूर में अपने दोनों बच्चे के साथ इतना कुछ कर लेते हैं, मैनेज करते हैं, मतलब सैल्यूट है आपको। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लगता है और यही मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। सो बस तार पर डालती वन बाई कपड़े सारे फोल्ड कर दिया जान सुनारे मेरे और सुनारा यहाँ पे देखा, और यही मैं फटाफट मीठा चावल बनाती हूँ। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, ज़रदा बोलते हैं क्या बोलते हैं? मैं तो मीठा चावल ज़रदा दोनों ही बोलती हूँ, और बस सिंपल बना रही हूँ फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, जबकि ये मेथड नहीं है। और अब टाइम हो गया था इज़ान को स्कूल से लाने का, तो बस चलते हैं और आप भी मेरे साथ साथ चलें। और देख सकते हैं आप कि इज़ान की स्कूल में कितना पीसफुल है अभी, शांति है, इसलिए कि अंदर से सारे क्लास में सारे मैम और बच्चे लोग हैं, तो बस थोड़ी देर में इज़ान निकलेंगे एकदम। हाँ जी, तो देख सकते हैं आप, ये भी इज़ान है और वो जो अपनी मम्मी के साथ है ये भी इज़ान है, दोनों ही इज़ान इज़ान, दोनों फ्रेंड है, दोनों एक ही क्लास में हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। एक्चुअली मुझे ड्राई फ्रूट्स लेने थे कुछ कुछ रास्ते में, तो मैं वो ले रही हूँ। ये देखिए, थैंक यू बोलिए, वेरी गुड। और ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, वेरी गुड। देखो भैया स्कूल से आ गया, अभी फ्रेश करवाते हैं, मैं भी फ्रेश होंगी एंड मीठा चावल आपको लुक दिखाऊंगी, और इसमें कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है। सो बेसिकली मैं फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाती हूँ, या तो फिर इसके पापा आते हैं, वही ड्राई फ्रूट्स मेरे चलते हैं, मैं स्टोर करके अच्छे से रखती हूँ। बट अभी ख़त्म हो गए थे तो मुझे ये लाना पड़ा, तो ये लाई, और साथ में मेरे घी थे, मीन्स कि घर में भी घी थे ऑलरेडी, और मैं जमाई मतलब बनाई भी थी, तो सिंपल मैंने एक स्पून घी लिया और बहुत ही आसान तरीके से मैंने मीठा चावल बनाया। ये ऐसे नहीं बनते हैं बट फटाफट ऐसे बन जाते हैं, बच्चे को बहुत अच्छा लगा। फाते वगैरह जो भी मुझे करना था, मैं अपने घर में अपने बचपन से देखती आई हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन मैं हमेशा देखती आई हूँ, तो मेरा मन कर रहा था। और वैसे भी चीज़ें देनी चाहिए गरीबों में, मिस्कीन में, एंड अपनी भी खुद भी खाना चाहिए, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल करे, आमीन। और क्या जुनैरा रिज़ियान सब अभी खाएंगे, और ये बन गया है मीठा मीठा सा, और मिस्कीन भी मैंने जो देना था दे दिया, ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं बनाया, इतना है और इतना ही और है बस। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसे ज़रदा बोलते हैं। लो बेटा खाओ। हाँ जी, तो दोनों बेबी बहुत ही प्यार से मीठा चावल खा चुके हैं, और ये देखिए आयत बेबी, गुड्डू भाई, ये दोनों ही आए थे और ये भी मीठा चावल देने आए थे, तो और साथ में ना थोड़ा सा बिरयानी भी भिजवाई, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा, अच्छा टेस्टी था। और ये देखे जुनैरा, जुनैरा की खुशी नहीं होती है आयत को देख कर, आयत आयत दूर से बस बाय टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ो की बाय, बस यही सब हो रहे हैं।
हाँ जी, थोड़ी देर हो गई तो मेरा मन कर रहा था कि चलो मैं बिरयानी भी खा के देख लेती हूँ टेस्ट करके, और ये मीठा चावल भी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं सोच रही थी कि दोनों बाबू कहाँ हैं, ज़ियान सुनहरा, ये लोग जब नहीं दिखते ना तो मुझे लगता टेंशन ऐसा। खैर यहाँ पे खेल रहे थे। एंड फिर मैंने अपने लिए शाम की चाय बनाई और यहाँ पर अनियन और पोटैटो वगैरह कुछ कुछ चॉप करके रखा, और मैं इस तरीके से पराठे बनाऊँगी। मैंने इसमें अजवाइन, ज़ीरा, कस्तूरी मेथी, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तेल एंड अजवाइन, ये सब डालकर अच्छे से मिक्स करके एक डो बना के रख दी। और फिर अपना चाय का प्याली ली। चाय लेने के बाद रूम आ गई, आराम से चाय पी रही हूँ। और अब ज़ियान का स्कूल का बैग निकालते, उसमें क्या क्या होमवर्क मिला है क्या नहीं मिला है, ज़ियान का ये सब चीज़ करते हैं। एंड एक्चुअली पता है टाइम का पता नहीं चलता, मगरिब के बाद, नमाज के बाद बहुत ही कम टाइम रहते हैं। इस वक्त मुझे बच्चे को भी देखना होता है 1 से 1.5 घंटा, एंड फिर खाना कुक करने का होता है। तो खाना, लाइट कट गए थे तो मैंने इमरजेंसी लाइट जला लिया और इस तरीके से मैंने बनाया। और ये छोटे बेबी को अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पता सबके बच्चे किस तरीके से खाते हैं, मेरे बेबी को मैं ये ऑफ़र करती हूँ तो वो खा लेते हैं। एंड पटल की सब्ज़ी थी, अच्छे से मैंने सॉटे कर लिया और मेरा भी कुछ इसी तरीके से था, और लेकिन हाँ टोमेटो सॉस खाए। खैर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे गुड नाइट बोल रही है सुनहरा आप लोगों।